लुधियाना में बचित्तर नगर में एक व्यक्ति को उसके कमरे में बंद करके देर रात बदमाश उसके दो ई रिक्शा चुरा कर ले गए। पीड़ित मुकेश ने बताया कि उसने थाना जमालपुर में शिकायत दर्ज करवा दी है। उसने बताया कि बीते साल भी उसके ई रिक्शा को किसी ने आग लगा दी थी, लेकिन पुलिस ने उस समय भी कोई खास जांच नहीं की। एक रिक्शा तो इब्बा रोड से मिल गया, लेकिन चोर उसकी बैटरी चुरा कर ले गए। मुकेश ने थाना जमालपुर से मामले की जांच करने आए कर्मचारी पर 1,000 रुपये लेने का आरोप भी लगाया है। उसने कहा कि एक तो उसका ई रिक्शा चोरी हो गया और ऊपर से जो जांच करने वाला पुलिस कर्मी आया उसने भी उससे 1,000 रुपये ले लिए, ये कहकर कि कैमरों आदि की चेकिंग करनी है, उसका बहुत खर्च आ जाएगा। उसने बताया कि इस इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों में दिखा है कि बदमाशों ने पहले गली में रेकी की, इस बीच उन्होंने लोहे की जंजीर और ताला काटा। जिस कमरे में मुकेश सोता है उसी कमरे के बाहर बदमाशों ने ताला लगा दिया ताकि यदि मुकेश जाग भी जाए तो बाहर ना आ पाए। फिलहाल पुलिस इस मामले की पड़ताल कर रही है। आप भी देखिए लुधियाना से विजय चायल की रिपोर्ट।